आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप को ड्राफ्ट कर मंथन हुआ। इस दौरान सभी मंत्रियों ने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि उनके विभाग ने क्या प्रगति की है और क्या आगामी रणनीति होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के निकट कोलार डैम के पास मंत्रियों की बैठक ली। बैठक की जगह के लिए मंत्रियों को गूगल मैप से लोकेशन भेजी गई थी। इस दौरान सभी मंत्रियों ने विभाग की आगे की रणनीति के बारे में बताया। मंत्रियों ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वे कैसा प्लान तैयार कर रहे हैं। बैठक में सूक्ष्मकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन प्लान पर चर्चा की गई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में अधोसंरचना, विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोड मैप के आधार पर मंत्रियों ने अपने विभागों की योजना तैयार की है। मंत्री एवं प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है और उसकी सख्त मॉनिटरिंग होगी। शिवराज ने कहा, इस समय मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था सुधारना और रोजगार देना है। प्रयास किया जाएगा कि 1,00,000 रोजगार हर महीने आए, चाहे वह प्राइवेट इंडस्ट्री से हो या सरकारी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो हर पहलू है, अधोसंरचना, रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके कुछ और चिंतन मंथन से जो चीजें निकलेगी उसको फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रमुख पहलू है रोजगार और अर्थव्यवस्था। उस पर हम लोग विस्तार से विचार करेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हर महीने कम से कम 1,00,000 रोजगार के अवसर पैदा हो, प्राइवेट सेक्टर से भी, अधोसंरचना के कामों से भी, इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लेसमेंट से भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सशक्तिकरण से भी, अनेकों उसके पहलू है। तो रोजगार के अवसर कैसे सृजित हों, फिर अर्थव्यवस्था कैसे उठ के खड़ी हो और मजबूत हो, और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी फैसले करने पर विचार चल रहा है। और जनता को चाहिए सुशासन। लगातार हम लोग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नए तरीके कई सोच रहे हैं, जिसके कारण जनता को बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए सेवाओं का लाभ मिले। देखिए, मेरा किसी से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, एकमात्र जिद, जुनून और जज्बा है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश की प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। वो ही अपनी भगवान है और इसलिए एजेंडा हम तय करते हैं, सारे फील्ड के अफसर, कलेक्टर, SP, कमिश्नर, IG को देते हैं, महीने भर का रोड मैप तय होता है, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते हैं, पालन प्रतिवेदन आता है तो जो अच्छा काम करते हैं उनको हम बधाई देते हैं, उनको हम पुरस्कृत करेंगे, और जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ सख्त होना जरूरी है। सख्त अगर होता हूँ तो अपनी जनता के लिए होता हूँ, मध्य प्रदेश के लिए होता हूँ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आत्मनिर्भर भारत होने के लिए आत्मनिर्भर प्रदेश का होना आवश्यक है। आम आदमी की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा हुई। अधिकारियों की फटकार पर उन्होंने कहा, अच्छे काम करने वालों को शाबाशी दी जाएगी, बुरे काम करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का होना, और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रशासन को और शासन को, अधिकारियों को और माननीय मंत्रियों को सबसे चर्चा कर रहे हैं। ग्रॉस रूट तक कैसे योजनाएं पहुंचे और कैसे आम आवाम की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, ये दोनों विषयों पर चिंतन है। दोनों ही बातें करना है। अगर कोई गलती करता है तो डांटेंगे और अच्छा काम करेगा तो शाबाशी देंगे, यही मुखिया का है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ने।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।